अरवी के पत्ते का डंठल तोड़ लें और इसे बारीक काट लें। चना का दाल भिगोकर पहले से रख लें, फिर इसे जार में हरा मिर्चा लहसुन चना की दाल के साथ पीस लें। धनिया पाउडर, गरम मसाला, मीट मसाला, मिर्चा का अचार का मसाला, हल्दी पाउडर, जीरा, अजवाइन, मंगरेल, नमक, हींग और बारीक कटे अरुई के पत्ते, चना का दाल का पेस्ट, इन सबको मिक्स करके मनचाहा शेप देकर एक तरफ रख लें। फिर उसके बाद आप एक बर्तन में पानी गरम करके और कोई छन्नी वाला बर्तन उसके ऊपर रख दें। रिकवच को भाप से पकाएं। 10 मिनट के बाद आप इसे पलट दें, फिर इसे ढक्कन से ढक दें। फिर 10 मिनट बाद आप इसे चाकू से चेक करके देख लें। अब इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। ठंडा होने के बाद इस तरह से कटिंग करेंगे। काट कर आप इसे कढ़ाई में तेल गरम होने पर आप एक 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 करके डालें। ध्यान दें कि ये टूटे ना। आप चाहें तो चना की दाल की जगह बेसन भी डालकर बना सकती हैं। अब इसे कुरकुरा होने तक इसे अच्छे से फ्राई कर लें। दोनों तरफ फ्राई करके आप चाहें तो इसे तवा पर भी हल्का फ्राई करके खा सकती हैं। हम जो अरुई के पत्ते को एक एक करके रख कर एक पे एक रख कर बनाते हैं, उससे इसका स्वाद बहुत ही टेस्टी और अलग लगता है और ये जल्दी बन भी जाता है। आप एक बार इसे ट्राई ज़रूर करें। अब एक प्लेट में निकालें और चटनी या सॉस के साथ खाएं। एक प्लेट में इसे निकाल कर चटनी या सॉस के साथ खाएं, यह बहुत ही अच्छा लगता है। आप चाहें तो इसे जब भाप से पकाती हैं उस समय भी इसे खाकर ट्राई कर सकती हैं। उसका स्वाद भी बहुत ही अलग और टेस्टी आता है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें।